तो ये है बुखारा बिरयानी, चिकन बुखारा बिरयानी। इसके साथ देखिए बॉयल एग है और ये पिकल है, ये अचार है बेसिकली किसी तरह का। अब ये मुझे पता नहीं किस चीज़ का अचार है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉम्बो है। और उसके साथ में दी गई है दाल। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हंगरी अली मेरे चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, सभी मस्ती में खा पी रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लास्ट बिरयानी वाली वीडियो को इतना लाइक करने का, इतना पसंद करने का। और ये और इसी के साथ आज हम आए हुए हैं अपना एक और एक बिरयानी की वीडियो दिखाने के लिए आपको, जो कि हमारी बिरयानी सीरीज़ का एक पार्ट है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक मलेशियन बिरयानी, ऑथेंटिक मलेशियन बिरयानी। सभी को पता है कि जिस तरह से बिरयानी जगह जगह पे अलग अलग पे गई और जहाँ जहाँ पर भी बिरयानी गई तो अपने अपना एक उन्होंने एक अपना वर्जन, एक अपना फ्लेवर बना दिया। लेकिन जिस तरह से हम इंडियन बिरयानी, पाकिस्तानी बिरयानी, इसके बारे में, अरब बिरयानी के बारे में सुनते, तो आज बिरयानी साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत पॉपुलर है। सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में आप जाएंगे तो भी आपको मिलेगा, इंडोनेशिया में भी बहुत बिरयानी पॉपुलर है। और उसी को लेकर के आज हम आए हुए हैं कि एक ख़ास तरह की मलेशियन बिरयानी को दिखाने के लिए, कि मलेशिया की नंबर वन बिरयानी जो कि क्लेम करते हैं उसमें, और कैसा बिरयानी का टेस्ट होगा, कैसी बिरयानी है। ऑथेंटिसिटी पे हम नहीं जाते हैं चलिए, क्योंकि इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, लेकिन हम टेस्ट करके बताएंगे कि टेस्ट वाइज में क्या ये बेस्ट है। बिकॉज इनका जो दावा है वो कहना है कि ये मलेशिया की नंबर वन बिरयानी है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मलेशियन ऑथेंटिक बिरयानी कैसी होती है, जिसको बोला जाता है नासी बिरयानी। नासी का मतलब होता है राइस और बिरयानी इज अ बिरयानी का फॉर्म है। तो चलिए चलते देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जाइए, फॉलो करिए, वहाँ भी हम डालते हैं इस तरह की वीडियो जो कि ग्लोबल एक फूड होता है अलग अलग तरह का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चलिए कारवां शुरू करते हैं खाने का। दोस्तों हम आए हुए हैं सैयद बिरयानी, द वन एंड ओनली बुखारा बिरयानी। इनकी अपनी एक बुखारा बिरयानी है। तो सैयद काफ़ी फेमस ब्रांड है बिरयानी के अंदर में। तो आज हम आए हुए हैं और आज हम चल के देखते हैं कि कैसा होता है सैयद बिरयानी और बुखारा बिरयानी। तो देखिए यहाँ पर हमारी बुखारा बिरयानी बन रही है, सॉरी बनी हुई है ऑलरेडी, वो शेफ अभी सर्व करेंगे। ये है बुखारा बिरयानी, आप देख सकते हैं है। और ये है बुखारा बिरयानी का, और ये उसके साथ में दिए जाने वाला सारा कुछ है। पिकल, ओके पिकल, वेरी इंटरेस्टिंग पिकल करी, ओके ओके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑथेंटिक है, अब मलेशिया के हिसाब से है। देखिए बॉयल एग, ओके ओके, बॉयल एग है, ग्रेवी है और दाल। आज तक बिरयानी के साथ मैंने दाल नहीं किया। दाल, दिस इज दाल राइट, दाल राइट, ओके ओके ओके, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी, थैंक यू थैंक यू। तो ये है बुखारा बिरयानी, चिकन बुखारा बिरयानी। इसके साथ देखिए बॉयल एग है और ये पिकल है, ये अचार है बेसिकली किसी तरह का। अब ये मुझे पता नहीं किस चीज़ का अचार है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉम्बो है। और उसके साथ में दी गई है दाल। तो दाल और ये है बिरयानी, खैर ठीक है। तो ये अपना इनका है। तो दोस्तों हमारी बुखारा बिरयानी आ चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अलग तरह की बिरयानी है जो मैंने आज तक कभी देखी है ना ही कभी सुनी है। अब बिरयानी के साथ इन्होंने मुझे दी है दाल और साथ ही साथ बिरयानी के साथ में यहाँ पर है पिकल। तो पिकल का कॉम्बिनेशन बिरयानी के साथ में, स्वीट पिकल है, स्वीट और हल्का सा चिली है, बट पिकल का कॉम्बिनेशन बिरयानी के साथ में मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि
ऐसा ये क्यों है? तो इन्होंने कहा कि यहाँ के जो मलेशियन लोग हैं ये सिर्फ बिरयानी नहीं, प्लेन राइस नहीं खा सकते हैं, इनको इसके साथ में कुछ चाहिए। और दाल एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्री में इसके साथ दिया गई, और दाल हर जगह मिलती है, तो दैट्स वाई ये चीज़ें। और ये इनका अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, तो शायद इसीलिए इन्होंने पिकल भी दिया, बिकॉज लोग यहाँ पर इनके पिकल वाली बिरयानी खाने ही आते हैं, तो बिरयानी के साथ में अलग से ये पिकल दिया था, और लोग इसको लेके खाते हैं, जाते हैं, पैक करा के भी जाते हैं। वैसे ये बहुत टेस्टी है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मेरे समझ से बाहर है, बट क्या ठीक है, हम टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है और कैसा चलेगा और कैसा है। और साथ में एग करी दिया है, और बिरयानी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए बिरयानी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, एक के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। एक साथ में उसका एक एक बड़ा सा लेग पीस पूरा दिया हुआ है, देखिए तो चलिए बिरयानी टेस्ट किया जाए, कैसी है बिरयानी इनकी, बुखारा बिरयानी। बिरयानी टेस्टी है, बहुत कुछ हद तक आपको साउथ इंडियन फ्लेवर मिलेगा, तो बिरयानी काफ़ी टेस्टी है। अब थोड़ा बिरयानी को अचार के साथ मिला के खाया जाए और देखते हैं कि कैसा टेस्ट आता है। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन अचार के साथ मुझे उतना कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा, शायद मेरे टेस्ट बड को तो आदत है। लेकिन ऐसे अगर मैं सिर्फ प्लेन राइस खाऊं तो राइस भी काफ़ी टेस्टी है, क्यों ओवरऑल राइस भी काफ़ी टेस्टी है, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है। टेस्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, टेस्ट बहुत है। इवन दो मैं दाल के साथ ट्राई नहीं कर रहा हूँ और मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, बट क्योंकि मैं ऐसे ही इंजॉय कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ आप बिरयानी सिर्फ ऐसे भी खा सकिए, क्योंकि राइस बहुत फ्लेवरफुल है, चिकन पूरा बहुत अच्छा है, चिकन सॉफ्ट है, एकदम टेंडर है बिल्कुल, देखिए, और एक काफ़ी बड़ा पूरा लेग के साथ पीस मिलता है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बिरयानी काफ़ी अच्छी है इनकी, जो बिल्कुल मुझे जो उम्मीद है उससे उम्मीद है बिल्कुल, ये पूरा खरे उतरा है, और टू गुड। तो दोस्तों बिरयानी तो मेरे हिसाब से काफ़ी टेस्ट लगी मुझे, टेस्ट वाइज ओके, ऑथेंटिकेशन वाइज नहीं जाते हैं, टेस्ट वाइज मुझे बहुत टेस्टी लगी, ठीक है। मैं कंपेयर नहीं करूँगा किसी भी हैदराबादी या कोलकाता बिरयानी या इंडिया की बिरयानी के साथ में, या फिर आपका पाकिस्तान की बिरयानी या फिर किसी और के साथ, बिकॉज़ ये एक मुझे अलग ही फ्लेवर लगा। लेकिन मेरे लिए आई थिंक टेस्ट थोड़ा मैटर करता है, बिकॉज़ आई नो कि अगर बिरयानी अगर आप किसी अलग कॉन्टिनेंट में जा रही है और एक अलग कंट्री में जा रही है, तो वहाँ वो लोग अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो अपने टेस्ट बड के हिसाब से। जैसे ही जैसे चाइनीज़ फूड जब इंडिया में आया, तो चाइनीज़ ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड नहीं है ना, तो वो इंडियन टेस्ट बड के हिसाब से उसमें चिली विनीगर और बाकी चीज़ें एडिड की गई, तो सिमिलरली आई थिंक बिरयानी यहाँ भी, बट ओवरऑल मुझे जो लगा वो बहुत टेस्टी था। हाँ एक ही मुझे थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन लगा जो दाल के साथ है, लेकिन अब खैर यहाँ के लोकल जो उसको खाते हैं दाल के साथ, बिकॉज उनको कुछ एक आई थिंक ग्रेवी टाइप का चाहिए होता होगा जिसके साथ कि वो ईजी उसको यू नो स्वॉलो कर सके या खा सके। खैर मेरे लिए उतना नहीं था, मैटर नहीं करता। ओवरऑल बुखारा बिरयानी मेरे हिसाब से तो टू गुड थी, अगर आप मलेशिया आते हैं तो ज़रूर ट्राई करिए बुखारा बिरयानी, और ज़रूर से ट्राई करिए, चाहे वो अगर आप चिकन की खा रहे हो, चाहे मटन की खा रहे हो, या लैम शैक पूरा एक अच्छा बोले तो आप ज़रूर ट्राई करिए। और इसके साथ ही साथ अभी मैंने एक डेजर्ट मंगाया लीची कांग, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रूर ट्राई करिए लीची कांग, तो अभी देखते हैं आता है। वैसे मैं मीठा उतना पसंद करता नहीं हूँ, लेकिन अब जब सिर्फ उन्होंने कहा है कि आप ट्राई करिए ज़रूर, तो देखते हैं ट्राई करते हैं। लीची कांग कभी मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया, लीची का कोई डेजर्ट होगा, अभी आ रहा है देखते हैं।
चलिए। तो दोस्तों ये हमारा फाइनली डेजर्ट आ चुका है, लीची कांग। ये हॉट है, कुछ एक हलवा टाइप का जैसा लग रहा है। देखिए अंदर में ड्राई फ्रूट्स है ये है, और लीची के फ्लेवर्स है, साथ ही साथ मुझे घी दिख रहा है, ये देखिए। तो चलिए इसको ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसा। अभी तो ये थोड़ा हॉट, नहीं हॉट नहीं है, ये थोड़ा ठंडा है। ओके सॉरी, आई थिंक मैं धुआं देख करके मैंने गर्म बोल दिया, बट लेकिन ये ठंडा है। तो क्या है इसके अंदर, देखिए लीची मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये लीची है, थोड़ा सा आइस भी है और लीची का। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो ये ठंडा है, ये एक्चुअली धुआं निकल रहा है आइस का ये है। तो चलिए ट्राई करते हैं कैसा होता है। ओके ये हलवा जैसा दिख रहा है, लेकिन ये हलवा नहीं है। अब बता रहा हूँ क्या है, ये पूरे आइस को इन्होंने क्रश कर दिया है और उसको लीची और उसके सिरप में डाल करके इसको बनाया है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक आइस है, आइस के साथ में लीची है। तो ये है बेसिकली लीची कांग। नॉट सो स्वीट, ठीक है, जितना मैंने स्वीट सोचा था उतना स्वीट नहीं है। हाँ लेकिन ये पूरा बर्फ है, तो ये पूरा बर्फ को इन्होंने पूरा क्रंच करके उसको साथ में बनाया है। तो इंटरेस्टिंग से कॉम्बिनेशन है, कभी ऐसा मैंने देखा नहीं, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट है और लेकिन टेस्टी भी है। तो दोस्तों ये था हमारा मलेशिया का जो लोकल बिरयानी है उसके स्पेशल वाला व्लॉग। आगे हम और भी दिखाएंगे आपको और भी अलग तरह की बिरयानी, बिकॉज हमारा यही पर्पस है कि हम जितना हो सके ग्लोबल फूड आपको दिखाएं, ऑथेंटिक ग्लोबल फूड जो भी हो सके। तो अभी हम आपको मलेशिया की जो बिरयानी है उसका वर्जन आपको दिखाया, बुखार बिरयानी का सैयद बिस्ट्रो का जो है रेस्टोरेंट में। आगे हम और भी दिखाएंगे जो कि यहाँ की बहुत सारी और भी फेमस जो लोकल बिरयानी है और कुछ अरब बिरयानी भी है, तो हम वो भी आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम ये वाला ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आप आशा करते हैं कि आप बहुत पसंद आया होगा, आप देखिए। और अगर आप मलेशिया में रहते हैं या मलेशिया घूमने आए और आप बिरयानी के शौकीन हैं, तो एक बार ज़रूर आपको ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हमारी बिरयानी की ये जो पूरी सीरीज़ है इसको प्लीज़ देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसमें हम और तरह तरह की बिरयानी दिखाएंगे। तो प्लीज़ इसको देखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको दे दूँगा। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्ती में खाते रहिए। चलिए।